नहीं है, गाड़ी अटक जाती है, उसके कारण लोकार्पण दो महीना विलंब से हुआ। लेकिन जो सपना था एक साल के भीतर भीतर इस काम को खड़ा कर देंगे, करके दिखाया। और मित्रों, ये कोई भव्य भवन के रूप में नहीं देखा जाएगा, यहां दिव्यता का अंश है। मैं खुद जब अंदर जा रहा था, मैं अनुभव कर रहा था मित्रों, जैसे किसी मंदिर में जाते हैं और एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है, वैसे ही जिस क्रांति तीर्थ जाते है। मैंने जब अंडमान निकोबार के अंदर उस सेल्यूलर जेल को देखा था, वो एक सावरकर जिस कोठरी में रहे थे उस जगह को देखा था, और जो अनुभूति मैंने उस धरती पर की थी, जब मैं भगत सिंह आजाद का जहां स्मारक बना है पाकिस्तान की सीमा पर, भगत सिंह को अंग्रेज सल्तनत लाहौर में फांसी दी और बाद में उसके परिवार को उनका श्रेय नहीं दिया, जंगलों में जाकर के मिट्टी के तेल से उनको जला दिया था, उस जगह पर एक स्मारक बना है फिरोजपुर से आगे। मैं जब पहली बार उस धरती पर गया था, मैंने एक रोमांच का अनुभव किया था। मैंने आज तीसरी बार ऐसी अनुभूति इस इंडिया हाउस के अंदर की। मेरे पास शब्द नहीं थे, मैं जब घूम रहा था अंदर, मैं बोल नहीं पा रहा, मैंने एक एक रोंगटे पर संवेदनाएं में अनुभव कर रहा था। यह स्मारक देश के लिए जीने की प्रेरणा देगा। श्याम जी ने देश के लिए लोगों को मरने के लिए प्रेरित किया था, देश के लिए खपने के लिए प्रेरित किया था। अंग्रेज सल्तनत जिस भाषा में समझे, उस भाषा में समझाने के लिए उन्होंने नौजवानों को तैयार किया था। लेकिन वो सपना था ये भारत मां स्वतंत्र हो, भारत मां जगत गुरु बने। श्याम जी नहीं रहे, अंग्रेज चले गए, देश आजाद हो गया, लेकिन वो सपना अभी भी पूरा करना बाकी है। और वो सपना है ये भारत मां जगत गुरु बने, भारत मां विश्व गुरु बने। सुजलाम सुफलाम वंदे मातरम का गीत धरती पर सही रूप में हमें नजर आए। वो मंदे मातरम एक मंत्र न रह जाए, वो मंदे मातरम उस शब्द का एक एक अंश हम हिंदुस्तान की धरती पर कैसे उतारे, और वो प्रेरणा पाने के लिए ये क्रांति तीर्थ एक नई प्रेरणा लेकर के आया है। हम वो और हैं। अब मैं भी आजादी के बाद पैदा हुआ, और इसलिए हमें देश के लिए मरने का सौभाग्य नहीं मिला, देश के लिए मरने का सौभाग्य नहीं मिला, ये कहकर के हम बच नहीं सकते। जीने का तो सौभाग्य मिला है, आओ देश के लिए जी करके दिखाएं, कुछ तो देश के लिए करें, कुछ तो अच्छा करें, किसी की भलाई के लिए करें, समाज की भलाई के लिए करें। अपने लिए सोचने के बजाय और उनके लिए सोचना शुरू तो करें, और ये इंडिया हाउस से संदेश मिलेगा। ये मांडवी का इंडिया हाउस लंदन के लोगों को भी संदेश दे देगा कि हिंदुस्तान अभी भी विश्व गुरु बनने के लिए अपनी कोशिशें जारी करती हुई है। तो रुकने वाला नहीं है, पीढ़ियां क्यों ना बीत जाए, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन हम लक्ष्य के अभी ओझल नहीं होने देंगे, उस सपनों को पूरा करने का हम निरंतर प्रयास करेंगे। मैं चाहूंगा कि इस इंडिया हाउस के प्रति हर प्रकार का प्रेरणा शिक्षा सब हो, लेकिन जो भी इंडिया हाउस के दर्शन के लिए आए, वो श्याम जी के पुराने घर जरूर जाए, उसे नहीं भूलना है। जब वो घर देखेंगे तो पता चलेगा इतने छोटे से घर में इतने बड़े महान इंसान ने जन्म लिया था, और इसलिए इंडिया हाउस भी आएंगे, उस घर भी जाएंगे जहां श्याम जी थे। मैं कच्छ के मित्रों से आग्रह करता हूं कि स्कूल के बच्चों की यात्राएं ऑर्गेनाइज हो, वो आए पूरे दिन भर रहें, कियोस्क का उपयोग करें। मैं तो हमारे व्यवस्थापकों को कहूंगा कि बाहर निकलने के बाद बच्चे का एग्जाम भी दे छोटी सी, अंदर क्या देखा है, उनको तुरंत कंप्यूटर पर मार्क भी मिल जाए, उनको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाए कि देश की आजादी के लड़त में
किस प्रकार से क्रांतिकारियों का योगदान रहा, हर बच्चा एग्जाम देता हुआ जाएगा, सर्टिफिकेट लेकर के जाएगा और टेक्नोलॉजी के माध्यम से काम आराम से हो सकता है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इतिहास को भूलने नहीं देंगे दोस्तों, और इतिहास को भूलने नहीं देना चाहिए। और इतिहास अगर बनाना है तो इतिहास ही इतिहास बनाने के लिए शिक्षा देता है। जो समाज इतिहास भूल जाता है वो इतिहास बनाने की ताकत खो देता है। आज भी अगर हमारे मूल्य जीवित है तो रामायण और महाभारत की प्रेरणा के कारण हमारे मूल्य जीवित हैं। आज भी हमारे में शौर्य पड़ा है जो छत्रपति शिवाजी महाराज और राणा प्रताप की याद के कारण पड़ा हुआ है। यही तो जीवन होता है, और अच्छाइयों का जीवन अच्छाइयों के लिए आगे बढ़ने की ताकत बन के रखता है। ये त्याग तपस्या बलिदान ये क्यों हुए थे कि हम उनको भूल जाए? अगर हम भूल जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी किस लक्ष्य को लेकर के जिएगी? हर समाज का कर्तव्य होता है आने वाली पीढ़ी के लिए कोई लक्ष्य छोड़ करके जाना। अगर आने वाली पीढ़ी के लिए कोई लक्ष्य नहीं होगा तो दुनिया के जिस प्रकार से अनेक समाज नष्ट हो चुके हैं, हम भी खत्म हो जाएंगे। हम तो मानव जात के कल्याण के लिए पैदा हुए हैं। श्याम जी का संबंध स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ बड़ा निकट का था। स्वामी दयानंद सरस्वती उनको अपना एक अंगत साथी के रूप में सारा कार्य वो उनको देना चाहते थे। वे संस्कृत के प्रधान पंडित के नाते दोनों का सत्संग हुआ करता था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी को जो महापुरुष पसंद आए हो, ऐसे महापुरुष की क्षमता और शक्ति, इसको हम कैसे आगे बढ़ाएं? और श्याम जी थे जिन्होंने एक सपना देखा था। और देखिए, श्याम जी और महात्मा गांधी के बीच का सीधा कम्युनिकेशन नहीं था, लेकिन किस प्रकार का सोच में अनुकूलताएं थी। श्याम जी ने 1920 के कालखंड में 1902 के कालखंड में 1902 के कालखंड में एक अपना विचार व्यक्त किया था, और उन्होंने कहा था कि आजादी के सैनिक तैयार करने के लिए एक भारतीय विचारों से प्रेरित यूनिवर्सिटी चालू करनी चाहिए। और तब गांधी जी हिंदुस्तान नहीं आए थे, उस समय श्याम जी ने विचार रखा था। और यह भी विशेषता देखिए कि महात्मा गांधी ने गुजरात विद्यापीठ को जब शुरू किया, यूनिवर्सिटी को प्रारंभ किया, तब कहा था कि इस जगह से हिंदुस्तान के आजादी के सैनिक तैयार होंगे। जो सपना श्याम जी को कभी आया था, वो भी विचार मोहनलाल करमचंद गांधी पूज्य बापू को आया था, और उन्होंने गुजरात विद्यापीठ को जन्म दिया था। यानी कितने दीर्घद्रष्टा थे महापुरुष, मानव जात को किस प्रकार में किस दिशा देनी चाहिए, जिसका कितना क्लियर विजन था उनके अंदर, इसका सीधा सीधा संदेश मिलता है। भाई बहनों, मैं मांडवी के नागरिकों से पहले भी अपील कर चुका था, इसको हरा भरा रखने की जिम्मेवारी मांडवी के नागरिकों की है। ये आपका है, यह आपको संभालना चाहिए। मैं यहां के सीनियर सिटीजनों से कहूंगा कि आप भी समय निकालिए। कोई कहे मैं सोमवार दूंगा, कोई कहे मैं मंगल दूंगा, कोई कहे मैं बुधवार दूंगा, सप्ताह में एक दिन 3 घंटे 4 घंटे मैं सेवक के रूप में आऊंगा, बैठूंगा, लोग आएंगे उनसे बातें करूंगा, वहां की व्यवस्था संभालूंगा, किसी को नुकसान नहीं करने दूंगा। हमारी अपनी मातृभूमि है, सांझी विरासत है। इस सांझी विरासत को संभालने की सांझी जिम्मेवारी भी होती है। वो सांझी जिम्मेवारी को हम उठाएंगे और उसको एक अच्छे ढंग से, मांडवी में हमारा कोई रिश्तेदार ऐसा ना हो, ये दूर से देखने की चीज नहीं है, अंदर जाकर के एक एक चीज स्टडी करने की है, कियोस्क पर जाकर के एक एक चीज पढ़नी है। और मैं आग्रह करूंगा, मांडवी के स्कूल के बच्चे, मांडवी के वार्ड वाइज नागरिक समय निकाल करेगा, अपना खाना साथ लेकर के आए, पूरा दिन यहां रहे, ये शिक्षा का धाम बन जाए, प्रेरणा का धाम बन जाए, भावनाओं को जगाने का अवसर पैदा हो। उर्मी हमें प्रेरणा दे, उर्मी हमें शक्ति दे, उर्मी हमें गति दे, इस भाव को लेकर के हम आगे बढ़े।
मैं मानता हूं ये जो काम किया हुआ है ये इमारत के रूप में न देखा जाए, इसे जीती जाती व्यवस्था के रूप में देखा जाए, ये चेतना स्थल के रूप में देखा जाए और उस अनुभूति के साथ अंदर कदम रखेंगे तो हमें विश्वास होगा कि कितना बड़ा अवसर मिला है इस धरती को। कच्छ के अंदर जिस प्रकार से टूरिज्म डेवलप हो रहा है उसी प्रकार से मांडवी का एक क्रांति तीर्थ पुरुषों के लिए भी हिंदुस्तान के उस इतिहास जिसको बहुत दिनों से दबाया गया है, इतिहास के पन्नों से जिसे ओझल कर दिया गया है, नई पीढ़ी को उसको दूर रखने का प्रयास हुआ है, उस सच्चाई के साथ लोगों को जोड़ने का भी काम होने वाला है। भाइयों बहनों मैं जानता हूं ये क्रांति तीर्थ बनाना एक सरकार है तो बन जाता ऐसा नहीं है, इसके लिए भीतर भी जला वतन की आग चाहिए तभी तो होता है वरना जो माहौल है कोई सोच नहीं सकता ऐसा कुछ किया जा सकता है, सारी दुनिया टूट पड़ के ऐसा किया ही नहीं जा सकता है। एक ही गीत गाया जा सकता है, दूसरे गीत को अनुमति नहीं है। ये जो माहौल बना है उस माहौल से बाहर आने का एक बहुत बड़ा पूरे देश को संदेश देने का काम इस क्रांति तीर्थ से हुआ है मित्रों। और मैं चाहूंगा देशभक्ति के रंग से रंगे हुए लोग हिंदुस्तान भर के अंदर देश के लिए बलि चढ़े हुए लोगों को याद करें, उनका गौरव करें, उनका सम्मान करें और नई पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए अवसर लें। हमें एक नई ऊर्जा मिलेगी, नई ताकत मिलेगी, देश पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ेगा। मैं फिर एक बार मांडवी वासियों को बधाई देता हूं कि आपके आंगन में जिस महापुरुष ने जन्म लिया वो सारे आने वाली सदियों तक लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। ये धरती आपके लिए धन्य बन गई है, ये गुजरात की धरती धन्य बनी है, ये कच्छ की धरती धन्य बनी है, ये हिंदुस्तान की धरती धन्य बनी है। मानवता के लिए काम करने वाले जगत के कोई भी व्यक्ति के लिए यहां से प्रेरणा मिल सकती है। ऐसे ही क्षेत्र को हम संभालें, हम सजाएं, हम उसको लोगों के तक ले जाए, इसी एक अपेक्षा के साथ फिर एक बार मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जय जय गरीब गुजरात, जय जय स्वर्णिम गुजरात।